नमस्कार, सिल्क टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विकास कुमार। भागलपुर महोत्सव का ये 14वां आयोजन और आज ये तीसरा दिन, और हमारे साथ हैं शीर्षा रक्षित मैम, और ये पौष गायिका भी हैं, एक्ट्रेस भी हैं, और बहरहाल भागलपुर महोत्सव में शिरकत करने के लिए आई हुई हैं। और इससे पहले इनका बिहार कई दफ़ा आना हुआ है। मुंबई से हैं ये, कोलकाता से, मुंबई से, दोनों जगह मुंबई इनका बर्थ प्लेस रहा है और कोलकाता में भी इनका घर है। बहरहाल ये भागलपुर महोत्सव में शिरकत करने के लिए आई हुई हैं। जानना चाहते हैं इनसे, हम कोशिश करेंगे जानने का कि आखिर कैसा महसूस कर रही हैं, क्या कुछ खास इस बार लेकर आई हुई हैं। मैम, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। मैम, इससे पहले तो बिहार आप कई दफ़ा आई हुई हैं, भागलपुर भी आपका आना हुआ है, लेकिन भागलपुर महोत्सव में ये आप पहली बार आई हुई हैं, तो क्या कुछ खास रहेगा आज? बिल्कुल, कुछ खास लाने के लिए आज मैं आई हूँ यहाँ पे। ख़ास करके यहाँ के जो लोग हैं, काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि ये बहुत ही एक प्रेस्टीजियस शो है जो कि सुनने को मिला है मुझे अभी तक। और इस शो में कुछ अलग ही सिलेक्शंस रहेंगे जो स्पेशली आज के जितने ऑडियंस है उनके लिए मैंने प्रिपेयर किया है, तो वैसे गाना कुछ सुनाएंगे। मैम, आप एक गायिका भी हैं और साथ में एक्ट्रेस भी हैं, तो आखिरकार मैं ये आपसे जानने का कोशिश करूंगा, जानना चाहता हूं कि कथिल भरा ये दौर होता है एक कलाकार के लिए कि एक गायिका भी, एक्ट्रेस भी, और जो भी लड़कियां या जो आपको टीवी पर देख रही हैं, तो उनके लिए कुछ ऐसा कहना चाहेंगी? ज़रूर कहना चाहूँगी कि ये कोई आसान चीज़ नहीं है। मैंने प्रोफेशनली सिंगिंग बहुत ही छोटी उम्र से मैंने शुरू किया था, जब मैं 6 साल की थी, तब से आई बिकेम अ ऑल इंडिया रेडियो आर्टिस्ट। उसके बाद मैंने प्लेबैक भी किया जब मैं क्लास 9 को थी, फर्स्ट प्लेबैक, और धीरे धीरे मेरा प्रोफेशनल स्टेज और सब कुछ, लोगों के सामने जाके प्रेजेंटेशन, सब कुछ बढ़ता रहा। लेकिन ये बहुत ही चैलेंजिंग था मेरे लिए, क्योंकि मेरा फैमिली एंड सब लोग इसका सपोर्ट नहीं करते थे पहले, पर धीरे धीरे मेरी मम्मी बहुत मेरे साइड में थी। लाइक आज मैं जो भी हूँ, मेरी मम्मी के लिए हूँ, तो मेरी मम्मी का ये जो सपोर्ट रहा है हमेशा बरकरार मेरे साथ, तो इसके लिए मैंने आज जितना भी, मतलब मुझे जो भी मिला है, जो भी सक्सेस मिला है, वो उनके लिए मिला है। और मैं ये कहना चाहूँगी कि खास करके लड़की लोगों के लिए, आप लोग का अगर कुछ सपना होता है कि हाँ ये मुझे बनना है, ये मैं बनना चाहती हूँ, तो उसको बरकरार रखिए, और फैमिली को भी सपोर्ट करना चाहिए लड़की लोगों को आगे बढ़ने के लिए। जैसे कि मेरा भी बहुत मुश्किल रह चुका था, पर अभी मुश्किल नहीं है क्योंकि अभी मैं वो टाइम पार करके आ गई हूँ, तो एवरीथिंग एंड एवरीवन इज़ सपोर्टिंग मी नाउ। हमेशा एक सवाल रहता है मेरा मैम कलाकारों से खासकर, कि जब लोग आपको टीवी स्क्रीन पर देखते हैं, जो लोग आपको जानते हैं, तो जो उनके बच्चे होते हैं, अभिभावक जो होते हैं, वो चाहते हैं कि जो मेरे बच्चे हैं, मेरी जो बच्ची हैं, वो शीर्षा रक्षित जैसा बने, तो इनके लिए मैम आप कुछ कहना चाहेंगी? ज़रूर, शीर्षा रक्षित जैसी बने या उनके खुद के जैसे बने, मैं ज़रूर कहूँगी कि उनका जो सपना है वो उनको जीने दे, और हमेशा सपोर्ट कीजिए, क्योंकि किसके अंदर क्या रहता है वो खुद को भी नहीं पता कभी कभी। क्योंकि मुझे बहुत शौक़ था डांसर बनने की, क्लासिकल डांसर, लेकिन मैं आज बन गई हूँ सिंगर, और उसके साथ साथ एक्टिंग भी मैंने किया है फिल्मों में, जो कभी मैंने सोचा भी नहीं था। पर मन से अगर वो इच्छा रहती है ना, तो नसीब कहाँ पर लेके जाता है, वो बस सपोर्ट और वो जो डेडिकेशन के लिए होता है। तो मैं बोलूँगी फिर से कि पेरेंट्स को आप लोग ज़रूर सपोर्ट कीजिए अपने बच्चे को, ताकि वो लोग आगे बढ़ सकें। बिल्कुल, आज मैम आप सिल्क टीवी के साथ हैं, तो हम, मैं ये जानना चाहूँगा कि अभी तक के सफ़र में ऐसी कुछ ऐसी बातें या ये ऐसा कुछ गुजरा हो ज़िंदगी में जो कि आप सब लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ? अभी तक का बहुत ही कुछ यादगार मोमेंट्स भी रह चुका है, कुछ ख़राब मोमेंट्स भी रह चुका है। जब मैं बहुत छोटी थी, लोग मुझे जानते भी नहीं थे, काफ़ी ऐसे जगह में हम लोग गए थे, मैं गई थी जहाँ पे बहुत रिस्की एरिया था, जहाँ से बच के भी आना बहुत मुश्किल था, पर माँ सरस्वती जी का आशीर्वाद है मेरे ऊपर कि मैंने गाना सुना के उनका दिल बहला दिया था, तो इसलिए उन्होंने हमको छोड़ दिया। सिर्फ मुझे नहीं, मेरे म्यूजिशियंस, मेरे साउंड, जितने भी टीम थे, छोड़ दिया मेरे सिर्फ गाना सुन के। उनको इतना अच्छा लगा, और वो लोग बहुत ढेर सारा प्यार भी मिला था हमको, और अच्छे मोमेंट्स तो हमेशा ही रह चुका है, क्योंकि अभी भी मुझे ढेर सारा प्यार मिलता है लोगों से, और ढेर सारी आशीर्वाद मिलती है। लोग मुझे मैसेजेस करते हैं कि आपके जैसा बनना है दीदी, आई एम योर बिग फैन, तो आई एम
really blessed for that. Silk TV के माध्यम से मैम देशवासियों के लिए, खासकर शहर भागलपुर शहर वासियों के लिए कुछ संदेश? भागलपुर देशवासियों के लिए मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि आप लोग सब लोग खुश रहे, बहुत ही अच्छे रहे और म्यूज़िक सुने ज़्यादा से ज़्यादा, और शीर्षा रक्षित को बहुत सारे प्यार दे और आशीर्वाद दीजिए और खुश रहे बस। बिल्कुल मैम, तो टीवी देखते रहे जी। बिल्कुल मैं भी चाहूँगा मैम, आप हमारी देश की बेटी हो, हम सब की लाडली हो, दुलारी हो, आप भी दूर तक अपना जो है सफल रहें, आप अपना स्वर्णिम भविष्य के लिए मैं आपकी कामना करता हूँ। तो हमारे साथ ये शीर्षा दीक्षित मैम थी, आप सिल्क टीवी देख रहे हैं, मेरा नाम विकास कुमार सिंह है। अगर हमारा ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।